दर्शन ने की खास बात, मधुर भंडारकर को किया गया फेलिसिटेट, विवेक ओबेरॉय ने की खिचड़ी पार्टी, आर बाल की रिपीट करना चाहते हैं पार्ट टीम, ईशा कोपिकर की सगाई, रणबीर की पोलाइटनेस। डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म दे धनाधन कल थिएटर्स में उतारी जाएगी। प्रियदर्शन कहते हैं कि उनकी फिल्में मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए होती है। उनकी माने तो ये आम जनता ही है जो कि एक फिल्म को सक्सेसफुल बनाती है, और दे धनाधन आम जनता को काफी पसंद आएगी। मधुर भंडारकर रिसेंटली 33rd कायरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने गए थे, जहां उन्हें फेलिसिटेट किया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। साथ ही मधुर की फिल्म्स जैसे चांदनी बार, पेज 3, कॉर्पोरेट, ट्रैफिक सिग्नल और फैशन को ट्रिब्यूट टू सिनेमा इस सेक्शन में स्क्रीन किया गया। विवेक ओबेरॉय ने रेड एफएम के साथ मिलकर उनके लिसनर्स और स्कूल के बच्चों के साथ खिचड़ी पार्टी की। ये इवेंट म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स के मिड मील प्रोग्राम के सपोर्ट में था। पार फिल्म के डायरेक्टर आर बाल की अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन से इतने इम्प्रेस्ड हैं कि वो अब इन दोनों के साथ दोबारा काम करना चाहते हैं। इनफैक्ट ही फील्स दैट द डुओ आर थरो प्रोफेशनल्स हु कैन राइज टू द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ चैलेंजेस। शिल्पा शेट्टी के बाद अब बॉलीवुड में ईशा कोपिकर अपनी शादी की तैयारी कर रही हैं, और इस मंगलवार ईशा ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिंग्स एक्सचेंज की। ये फंक्शन काफी प्राइवेट फंक्शन था जिसमें सिर्फ ईशा और टिमी की फैमिली और कुछ क्लोज फ्रेंड्स प्रेजेंट थे। रणबीर कपूर की पोलाइटनेस से उनके साथ काम करने वाले काफी इम्प्रेस्ड हैं, खास करके उनके पीआर प्रोफेशनल्स जो फिल्मों के साथ बदलते रहते हैं, मगर रणबीर के बारे में उनकी राय नहीं बदलती। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।